स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर आपको बताएंगे। और आप सभी से इस वीडियो में कमेंट की आशा करते हैं। कैसा कमेंट आप सभी को करना है? आप सभी को कमेंट ये करना है कि आप बीए कोर्स करोगे कि बीएससी कोर्स करोगे कि बीकॉम कोर्स करोगे, ठीक है? और साथ ही साथ क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा भी आपकी कोई यूनिवर्सिटी च्वाइस में है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप ये बता देंगे तो ये पता चल जाएगा कि हमारे स्टूडेंट जो हैं, हमारे चैनल से जो तैयारी करेंगे, वो किस किस यूनिवर्सिटी से मतलब कि हैं, तब मैं उसके अकॉर्डिंग अपना जो है मतलब यहाँ मटेरियल, आपका सब्जेक्ट मटेरियल जो होगा आपके सामने प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहला मतलब कि प्रश्न यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये है कि क्या एलएलबी और बीएड का जो ये यहाँ पर एंट्रेंस है वो सीयूईटी के माध्यम से होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? तो जैसा कि सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने देखा है, इनके लिए कोई जगह नहीं है, अर्थात एलएलबी और जो है बीएड का जो है सीयूईटी के माध्यम से एंट्रेंस नहीं होगा, ठीक है? अब दूसरी बात, ठीक है, कि क्या सर हम कल से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें? नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप मतलब कि एयू के अतिरिक्त डीयू का भी भरना चाहते हैं और बीएचयू का भी भरना चाहते हैं, आपका यहाँ पर एक जवाब होगा सर हम और जगह का नहीं भरना चाहते, तो मेरा सलाह ये रहेगा कि आपको भरना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस या किसी अच्छे एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, तो आपको फिर गाँव के किसी को मतलब कि कॉलेज में पढ़ना होगा, और फिर तब आपके लिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा और आपका सपना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो है चूक जाएगा। इसलिए कम से कम आपको दो तीन यूनिवर्सिटी जरूर फिलअप करनी है, ठीक है? तो ये बात आप सब लोग हमेशा मतलब कि ध्यान देंगे, ठीक है? अब बात आती है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए का सिलेबस क्या है। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो वहाँ सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मतलब सिलेबस दिया गया है, अभी उसकी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि क्या वो जनरल टेस्ट लेंगे कि डोमेन लेंगे कि मतलब कि लैंग्वेज लेंगे, ऐसा वहाँ क्लैरिफाई नहीं है जैसा कि बीएचयू में है। बीएचयू में बीए के लिए क्या किया है कि उन्होंने लैंग्वेज के लिए मतलब कि बोला है और साथ ही साथ जनरल टेस्ट दीजिए, तो बीए ऑनर्स जो है आप आर्ट और बीए ऑनर्स सोशल साइंस में आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है? तो बीएचयू ने एकदम क्लेरिफाई किया है, बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन के लिए अभी मतलब की दिक्कत है, और आई होप कि क्लेरिफाई हो जाएगा तो मैं आपको कल सुबह तक जो है इसकी अपडेट दे दूंगा। और आप सभी से यह भी बता दे रहा हूं कि हमारे चैनल पर कल सुबह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा उसके लिए बताया जाएगा, और खासकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वाला पोर्शन आपको कैसे भरना है, तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। भले आप किसी और चैनल पर फॉर्म फिलअप करने वाली जानकारी प्राप्त कर चुके हो, लेकिन हमारे चैनल से भी देखिएगा, क्योंकि हमारा चैनल खासकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काम कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज शेयर भी करें, ताकि हम आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम में काफी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।